नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जा में। आज हम क्लास नाइन्थ का नए सत्र का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिल्ली सरकार द्वारा मिशन गणित के तहत, मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास नाइन्थ का वर्कशीट शुरू किया गया है। ये दिनांक 3 जुलाई 2023 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है संख्या पद्धति परिचय। अब देखिए, दो बच्चों की बातचीत किया गया। मित्र, तुम क्या कर रही हो? मैं संख्याएं लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, प्राकृत संख्या, यानी इसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि मैं तुम्हारे द्वारा लिखे गए इन संख्याओं में के समूहों में 0 को भी रख दूँ तो कौन सी संख्या कहलाएगी? यानी इसके पहले 0 लगा देते हैं तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? बिल्कुल सही, पूर्ण संख्या है। और इसके बारे में तुम बताओ, -1 -2 -3 -4 -5, ये तो ऋणात्मक संख्याएं हैं। बिल्कुल सही, इन सभी संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी 1 2 3 4, इधर धनात्मक, 0 और ऋणात्मक, सारे मिलकर के क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। तो क्या तुम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानते हो? वो कौन सी होती है? आइए हम इसके बारे में सीखें। परिमेय संख्या है जिसे वो सभी वास्तविक संख्या है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो लेकिन क्यू नीचे 0 नहीं हो। अच्छा, तुम्हारा मतलब 1/2 -3/4 2/5 0.6, यानी 0.6 को ऐसे लिखा जा सकता है, 6/10 लिखा जा सकता है, तो पी बाई क्यू के रूप में हो गया। और अपरिमेय संख्या वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, √5 √2 आदि। अब कहता है रिक्त स्थानों को पूरा करो। कहता है इसमें शून्य और सभी धनात्मक संख्याएं शामिल हो। शून्य और धनात्मक, तो इसमें पूर्ण आएगा, पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या। और में शून्य, सभी ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक शामिल हो तो ये पूर्णांक संख्या। अब कह रहा, इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय में वर्गीकृत कीजिए। प्राकृत संख्या पूरी संख्या, जैसे 8 हो गया, गिनती की संख्या, बस 8 ही है इसमें। पूर्ण संख्या 8 तो है ही, 8 तो होगा ही, और में 0 भी होगा, और कोई धनात्मक तो है नहीं। पूर्णांक में ये दोनों तो होगा ही, 8 और 0 होगा ही, उसके अलावा हम देख रहे हैं माइनस भी लगता है, तो -10 और -3 ये सारे हैं। परिमेय में ये सारे आ जाएंगे, यानी 8, 0, -10 और -3 के अलावा 5/2 भी आएगा, 2.5 भी आएगा। और अपरिमेय संख्या वो संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब देखिए, 8 भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 1/8/1 लिख सकते हैं। अब अपरिमेय संख्या यहाँ पे पाई है और √5 है। ये आज का वर्कशीट है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।